हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिजिटल इंग्लिश गुरुजी यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज एंडी दीक्षित। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एवरीडे वीडियोस आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, लाइव भी पढ़ा रहा हूँ। ये जो आज का लेसन है सेंटेंस फिलर्स का, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता होता। इसलिए मैं आज के लेसन में बहुत ही ईजी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करूंगा, तो प्लीज एंड तक देखिएगा, ठीक है ना? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज ही वोक अप। जब वह जागा या जब वह उठा, he saw that his bag was stolen, तो उसने देखा कि उसका बैग जो है वो चुरा लिया गया है। तो यहाँ पर जो दे रखा है his bag was stolen, तो was के साथ में थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो ये बाद वाला जो है वो हमारा पास्ट में तो है लेकिन पैसिव में है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इफ ऑप्शन दे रखा है, वेन ऑप्शन दे रखा है, वे ऑप्शन दे रखा है, सो भी दे रखा है, नीदर भी दे रखा है। नीदर के साथ में जनरली नॉर का यूज करते हैं, इसलिए इलेमिनेट करो। So, यूज होता है परिणाम दिखाने के लिए, अगर क्योंकि सो का मतलब आप सब जानते हो इसलिए होता है, या फिर है ना ये इस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है कि यू आर सो ब्यूटीफुल दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, आप इतने सुंदर हैं कि मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो सो का मतलब इतना भी होता है। इन दोनों में से कोई भी यहाँ पर सेंस नहीं आ रहा है तो सो को भी हटाओ। वेयर का अगर रिलेटिव प्रोनाउन में देखें तो इसका मतलब होता है जहां, और ये स्थान के लिए यूज होता है तो आप इसको भी हटाइए। तो ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिगर्स को समझना चाहते हैं, बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वैन का मतलब होता है ये टाइम के लिए यूज होता है, ये बताता है जब। अब यहाँ पर समय की ही बात हो रही है कि जब वह जागा तभी उसका बैग जो है चोरी हो गया, जब उसे पता चला। तो समय की जब बात होती है, टाइम की जब बात होती है, तो वहां पर अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं या फिर कंजंक्शन की बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे समय के लिए वैन। When का एक और कॉन्सेप्ट होता है WHEN। When यूज होता है पहले काम के साथ में, जैसे कि When the teacher came, ये मिसलेनियस हम डिस्कस कर रहे हैं। When the teacher came, जब टीचर आए, students stood up, तो स्टूडेंट खड़े हो गए। तो यहां पर ये स्टूडेंट खड़े हो गए जब टीचर आए, तो जो काम पहले होता है उससे पहले हम वैन लगाते हैं। एक होता है वाइल। वाइल का मतलब होता है एक ही टाइम पर दो काम, जैसे अ कार हिट हिम वाइल क्रॉसिंग द रोड, सड़क को पार करते समय एक कार ने उसे टक्कर मार दी। तो भाई इधर से वो सड़क पार कर रहा था, इधर से कार आई, तो एक ही टाइम पर दो कार हुए हैं, इसलिए यहां पर वाइल का यूज हुआ है। आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल माई मदर वॉज कुकिंग, तो एक ही टाइम पर मैं टीवी देख रहा था उसी समय मम्मी खाना बना रही थी, तो वो वाइल का यूज होता है। इफ का यूज नहीं होगा क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, मैं यहां पर आपको बता दूं कि अगर किसी सेंटेंस में इफ दे रखा है उसके साथ में सेंटेंस पास्ट में है, तो दूसरे सेंटेंस में हम यूज करेंगे वुड एंड वी वन, ठीक है। इफ ही टोल्ड मी आई वुड हैव आई वुड हेल्प हिम, तो यहां पर अगर इफ यूज करते तो यहां पर वुड सी होना चाहिए था जो कि नहीं दे रखा है, तो यू विल गो विद व्हेन, तो आंसर होगा टू। दो बार सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है द पुलिस इंस्पेक्टर द वांटेड क्रिमिनल फ्रॉम हिज फ्रेंड्स रेजिडेंस। अब यहां पर पुलिस इंस्पेक्टर द वांटेड क्रिमिनल फ्रॉम हिज फ्रेंड्स रेजिडेंस, तो यहां पर अराइव दे रखा है, गैदर दे रखा है, अरेस्टेड दे रखा है, कलेक्टेड दे रखा है, अलाउड होगा, तो यहां पर सुधा सा दूर से दिख रहा है सीधी तरीके से कि यहाँ पर अरेस्टेड के साथ में आप सब जाएंगे, सीधा सा मतलब है, ठीक है। आप जो है गैदर और कलेक्ट कब का यूज करते हैं, गैदर और कलेक्ट यूज करते हैं पीपल के लिए, ठीक है, कोई अनुमति तो है नहीं है, कोई परमिशन नहीं, तो आप यहाँ पर अलाउड यूज करें। अराइव द पुलिस इंस्पेक्टर अरेस्टेड द वॉन्टेड क्रिमिनल, क्रिमिनल की बात हो रही है तो अरेस्टेड यूज करेंगे, आंसर होगा हमारा थ्री। तो एलिमिनेट करो, सबसे पहले चीजों को एलिमिनेट करो, हटाओ कि जो नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही इजी लेसन है आज का, इसलिए थोड़ा साथ बना रहिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि आगे मैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। द मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद में यहाँ खाली जगह आ गई, मैनी फेवर्स ऑन हिज फेथफुल सर्वेंट। अब यहाँ पर जो दे रखा है द मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, अब मैनेजिंग डायरेक्टर गेव डायरेक्टर मैनी फेवर्स ऑन द फेथफुल सर्वेंट, अब गेव अप्रूव्ड इम्पोज बेस्टोर या ड्रॉप, कौन सा सेंस आप यूज करेंगे यहां पर? तो ये जो गेव है
वो एक जनरल कॉमन वर्ड है, गिव का मतलब दिया, ठीक है। अब हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्रपोजल्स के लिए यूज कर सकते हैं। अप्रूव यानी कि स्वीकृति दे दी। इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है आरोप लगाना किसी भी चीज पर, प्रत्यारोपित करना। और यहां बिस्टो, बिस्टो का मतलब आप सब जानते हो प्रदान करना, किसी भी चीज को देना खुशी खुशी, ठीक। तो वहां पर हम बिस्टो यूज करते हैं फेवर के लिए। और ड्रॉप का मतलब क्या होता है आप सब जानती हो, छोड़ देना या उतार देना या कम करना। तो द मैनेजिंग डायरेक्टर मैनी फेवर्स ऑन हिज फेथफुल सर्वेंट अमित, अपने फेथफुल सर्वेंट अमित पर उसने बहुत सारे फेवर्स बिस्टो प्रदान किए। तो आई गेव तो एक जनरल सेंस है, लेकिन जब यहाँ पर एक खुशी से कोई चीज हम प्रदान कर रहे हैं तो बिस्टो उसके साथ में जाएंगे। सो यू विल गो विद 4। आंसर हमारा तीसरे का होगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को यूज करें। आगे कुछ कॉन्सेप्ट भी आएंगे, मैं फ्रेजल वर्ब्स का भी यूज करूंगा, तो एंड तक देखिएगा। परचेजिंग अ कलर टीवी सेट इज कंसीडर्ड एज या फिर एन ऑफ स्टेटस। तो एक कलर टीवी सेट खरीदना एक स्टेटस का क्या माना जाता है, लग्जरी। लग्जरी का मतलब होता है आराम की वस्तु, तो ये नहीं होगा, आराम की वस्तु हो सकती है, लेकिन टीवी प्रतीक का सेंस यहां पर आएगा। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, आप सब जानते हो। सिम्टम, सिम्टम जनरली बीमारी के लिए वर्ड यूज करते हैं, ओके ना। तो सिम्टम्स का मतलब होता है बीमारी, जिसका मतलब होता है लक्षण। और 4 नंबर ऑनर, सम्मान और एक्शन, तो यहां पर यू विल गो विद सिंबल। तो टीवी, कलर टीवी खरीदना वो एक स्टेटस का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो आप यहां पर स्टेटस और लग्जरी इन दोनों की वजह से ये तो एलिमिनेट हो गया, आप सब इजीली इसको देख सकते हैं। सिम्टम जो होता है वो बीमारी के लिए यूज होता है, तो सीधा सा मतलब सिंबल के साथ आप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राधा हर मदर टू परचेज अ न्यू साड़ी फॉर द ओकेजन। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, थॉट सोचा, राधा ने सोचा, हर मदर अपनी माता जी का कॉल किया या थैंक यू किया या एडवाइस। तो सिंपल सा मतलब एडवाइस दिया, इंक्वायर्ड, जान पूछ, वो पूछताछ थोड़ी करेंगी, तो इंक्वायर्ड नहीं होगा, कॉल नहीं होगा, थैंक नहीं होगा, बहुत ईजी है। इसलिए आज फर्स्ट लेसन था, तो यू विल गो विद एडवाइस, तो आंसर होगा हमारा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द इंडियन इकोनॉमी बैडली नीड्स टू इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो इंडियन इकोनॉमी बैडली नीड्स, इन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा आवश्यकता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को क्या करने की, तैयार करने की, तैयार करना हो सकता है, डेवलप करने की, डेवलप करना हो सकता है, अचीव करने की, अचीव नहीं होगा। अगर हम बात करें 6 में, तो देखिए प्लान जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम बात करें, ये कॉलोकेशंस होते हैं, प्लान की बात करें तो ये प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो अगर प्लान की बात हो रही थी होती तो हम यूज करते प्रिपेयर। अगर हम टारगेट की बात कर रहे होते तो अचीव होता, क्योंकि टारगेट को अचीव किया जाता है। तो ये कॉलोकेशंस होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज में अलग से दे रखे हैं। और अगर एडवांटेज की बात करी जाए, फायदा उठाने की, तो हम गेन यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। एडवांटेज की अगर बात करी जाए तो हम गेन यूज करते हैं। और अगर किसी हाइट की बात की जाए, किसी पहुंच की बात की जाए, तो वहां पर हम यूज करते हैं इसके लिए अटेन, ठीक है। इसका मतलब आप सब इजीली जानती हो, प्राप्त करना किसी भी चीज को, किसी भी टारगेट को। लेकिन यहां पर बात हो रही है स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर हमेशा डेवलप किया जाता है। सो यू विल गो विद स्ट्रक्चर, ओके, डेवलप। तो यहां 6 का होगा आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्टिव आर नीडेड टू रूट आउट द डाउरी सिस्टम। रूट आउट का मतलब क्या होता है, रूट आउट का मतलब होता है रेडिकेट, रूट आउट इरेडिकेट, मिटा देना, हटा देना, जड़ से खत्म कर देना, ठीक है। तो कलेक्टिव फंड्स, मेथड्स, लॉज, डिसीजंस या एफर्ट्स, तो किस चीज क्या सकता है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर डाउरी सिस्टम की, तो अगर दहेज प्रथा की अगर बात करी जाए तो उसको बिल्कुल ही जड़ से खत्म किया जाएगा। तो जड़ से खत्म करने की बात हो रही है, तो कलेक्ट उसके लिए किस चीज की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, नहीं, मेथड्स की जरूरत है, नहीं, हाँ है, इन सब की जरूरत पड़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है एफर्ट्स की। सो यू विल गो विद कलेक्टिव एफर्ट्स। तो
तो आंसर को अच्छे से जब हम शुरुआत करेंगे तो हमें सबसे पहले सरल चीजों से करनी चाहिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हम अगर आरसी नहीं कर पाते हैं या हम क्लोज टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो हम सबसे पहले छोटी चीजों से स्टार्ट करो, बड़ी से मत करो, क्योंकि बड़ी तो स्टूडेंट्स कर ही रहे हैं। अभी मैं लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री इस तरीके से क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो ये बहुत ईजी था। तो कलेक्टिव एफर्ट्स जाएगा तो 7 का आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू कैरी ऑर्डर ऑफ हिज मास्टर। अब यहां पर कैरी से संबंधित हम बहुत सारी चीजों को कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि कैरी फॉर नहीं होता, ये फ्रेजल वर्ब है। कैरी फॉर एक वर्ड नहीं होता है, कैरी समथिंग इन हो सकता है, लेकिन कैरी इन का कोई सेंस नहीं निकलेगा। अब यहां पर कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब क्या होता है? एक तो था रूट आउट, इरेडिकेट करना, और कैरी आउट का मतलब क्या होता है? पूरा करना या फॉलो करना, ठीक है। तो इट इज अ सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड, एक सर्वेंट से आशा की जाती है। तो देखिए हर चीज पे हम जब सॉल्व करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमसे हिंदी नहीं होती। कोई जरूरत नहीं हिंदी करने की, आप केवल उसका सेंस निकालो कि वो क्या कहना चाह रहा है। सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट मतलब आशा, तो हो सकता है सर्वेंट एक्सपेक्ट कर रहा है या सर्वेंट से आशा की जा रही है, तो आशा तो सर्वेंट से करी जाएगी। तो सर्वेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है टू कैरी आउट ऑर्डर्स ऑफ हिज मास्टर, अपने मालिक के ऑर्डर मानने का कि भाई वो पूरा करेगा। तो कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना। कैरी फॉर नहीं होता, कैरी इन नहीं होता। कैरी के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं आपको लिखा देता हूँ CARRY, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कोई भी चीज का जारी रखना, कोई भी काम। बहस कर रहे हो हम, तो बहस कर रहे हैं तो बहस के लिए हम यूज कर सकते हैं कैरी ऑन। एक होता है कैरी आउट, कैरी आउट हो गया पूरा करना। एक होता है कैरी कॉट, COT, इसका मतलब होता है पालना, किसी भी चीज को पालना। पालना का मतलब ब्रिंग अप, ठीक है, तो इट इज ब्रिंग अप। एक होता है कैरी ऑफ, कैरी ऑफ इसका मतलब होता है जीतना, किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर लेना। एक होता है कैरी ऑल, कैरी ऑल का मतलब झोला भर के, यानी कि बैग भर के सब्जी लेके आए वो, सो दिस इज कैरी ऑल। एक होता है कैरी, जनरली कैरी फॉर का एक सेंस यूज हो जाता है, लेकिन यहां पर हम यूज करेंगे कैरी फॉर। कैरी फॉर का मतलब होता है बहुत होना, और इट इज कैरी फॉर, अब बहुत हुआ। कैरी ओवर, पेन कहां गया, ये रहा, कैरी ओवर, इनको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। कैरी ओवर का मतलब होता है किसी भी काम को टालना या आगे बढ़ना। और एक होता है कैरिंग्स ऑन, ये स्पेलिंग है CARRY INGS, CARRY INGS, कैरिंग्स ऑन, हंगामा। सो ये कैरीज होते हैं, तो यहां पर आंसर होगा आपका कैरी आउट, आंसर इज 5। The next 9, as a social worker, he tried his best the condition of the poor. So improve, change, correct, develop, या raise. तो यहाँ पर 9 में आप किसके साथ जाएंगे? तो सीधा सा मतलब है conditions को improve किया जाता है. So you will go with A. और अगर 10 की बात की जाए, Amit cannot be appointed since का मतलब यहाँ पर क्योंकि है. He the experience necessary for the job. तो यहां पर अमित कैन नॉट बी अपॉइंटेड, अमित को अपॉइंट नहीं किया जा सकता क्योंकि कमी है, कमी रखना, वो कमी रखता है, नीड्स नहीं आएगा। ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड सिंस, क्योंकि ही नीड्स द एक्सपीरियंस। तो यहां पर हम डायरेक्ट रीजन लेकर के आएंगे, एडवाइस नहीं कि उसको आवश्यकता है इस चीज की, ठीक है। तो यू विल गो विथ लेस, यहां पर आपका आंसर होगा 10 का 3। मैं लेवल 2 लेकर के आऊंगा थोड़े से इससे डिफिकल्ट वर्ड्स और डिफिकल्ट सेंटेंसेस को, उसके बाद में हम डबल फिलर्स को, ट्रिपल फिलर्स को करेंगे, बैंकिंग एसएससी के लिए कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा, और लाइक कर दीजिएगा तुरंत, डिसलाइक करने से कोई फायदा भी नहीं है, शेयर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।